हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर की साइज हम कैसे पता कर सकते हैं सी लैंग्वेज में। उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे और हम ये पता करेंगे इनकी साइज क्या होती है। जैसे कि आमतौर पर हम जानते हैं कि डॉस बेस आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो वहाँ 2 byte या 64 byte आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 4 byte इंटीजर की साइज होती है, 1 byte जो है साइज होती है कैरेक्टर की, और फ्लोट की जो साइज होती है वो होती है 4 byte। ठीक है, तो इंटीजर की आमतौर पे जो साइज होती है वो 2 byte होती है, तो हम उसी की साइज को पता करेंगे एक प्रोग्राम लिख करके प्रोग्राम के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले कोड ब्लॉक को मैं ओपन करता हूं। तो ये मैंने कोड ब्लॉक ओपन कर लिया, अब इस पे हम कोडिंग करेंगे और उस कोडिंग के थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी साइज होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। सबसे पहले मैं हेडर फाइल बनाता हूं, हैश इंक्लूड। क्या करना है, मैं यहां पे इंट मेन दे देता हूं, ठीक है, यानी हम कुछ रिटर्न करवाने वाले हैं। ठीक है, और यहां पर एक वेरिएबल बना डेटा टाइप और एक वेरिएबल बनाता हूं आई। ठीक है, एक डेटा टाइप मैं कैर टाइप का ले लेता हूं और यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं सी। ठीक है, अब यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, क्योंकि प्रिंट एफ में वो चीज हम लिखेंगे जो हमें प्रिंट करवानी है। और यहां एक साइज ऑफ का हम प्रयोग करेंगे, साइज ऑफ आई इज परसेंट डी बाइट्स। ओके, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, और यहां पे साइज ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे तो यहां से हमको ये भी पता चलेगा कि ये साइज ऑफ ऑपरेटर किस तरह से कार्य करता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमने लगा दिया, तो साइज ऑफ लगाने के बाद से यहां पे इसको क्लोज भी करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां से क्लोज भी कर दीजिए। तो ठीक है, तो आइए देते हैं प्रिंट एफ और फिर यहां पे मैं लिखता हूं साइज ऑफ इज परसेंट डी। ओके, ये लिख दिया हमने इन बाइट्स। तो ये बाइट्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन बाइट्स, ये साइज तो बाइट्स में ही होती है जैसा कि आप जानते भी हैं। और यहां पे लिखूंगा साइज ऑफ। ठीक है, तो यहां साइज ऑफ, अब किसकी साइज ऑफ, तो सी में जाकर स्टोर होगी वैल्यू, तो यहां सी कर दिया हमने, क्लोज किया इसे और देन नीचे आएंगे। अब यहां पे फिर प्रिंट एफ लिखता हूं, क्यों लिखूंगा, क्योंकि अब थर्ड वाला जो फ्लोट है उसका हमें साइज पता करना है, तो लिखूंगा साइज ऑफ। ओके, लिखा हमने परसेंट डी, चूंकि दो ही वेरिएबल बनाया हमने बाइट्स, तो ये हमने लिख दिया, कॉमा दिया, और यहाँ पे साइज ऑफ जो ऑपरेटर है उसको हम लिखेंगे और ये वैल्यू जाके स्टोर होगी सी में। सो दैट्स वाई यहाँ पे सी की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ कर देंगे फ्लोट। क्या करेंगे, फ्लोट, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट, चूंकि हम फ्लोट करा रहे हैं, फ्लोट एक डेटा टाइप होता है और इसकी साइज को हमें पता करना है, दैट्स वाई यहाँ पे हम फ्लोट लिख रहे हैं। ठीक है, एंटर किया सेमीकोलन लगा करके, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो। और एक काम और मैं करता हूं, रिटर्न जीरो के बाद यहां कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं और यहां पर लास्ट वाले में हम साइज ऑफ के जस्ट ठीक पहले बैकस्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कर दिया हमने, अब इसको सेव करता हूं मैं, तो यहां से सेव कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूं यहां पे size.c। ओके, ये लिख लिया हमने, अब इसको एक बार हम पहले कंपाइल करवाते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, अब इसको रन करवाने की बारी, तो यहां से रन करवा लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है साइज ऑफ आई इज 4 bytes। ठीक है, तो यहां पे 64 किलो बिट्स बताया था कि 4 byte होता है। अगर ये 32 बिट का अगर हम डॉस बेस आर्किटेक्चर यूज करते तो यहां साइज 2 byte आता। ठीक है, तो इंटीजर की साइज क्या आ रही है, 4 bytes। उसके बाद कैरेक्टर की साइज जैसा कि मैंने बताया था 1 byte है, और आप तो जानते हैं कि फ्लोट की साइज 4 byte होती है, तो इस तरीके से ये रिटर्न हो रहा है। ठीक है, इसमें देखिए ये दोनों एक में आ रहा है, मैं इसके लिए भी एक काम करता हूं, यहां पे जो साइज लिखा हमने उसके पहले बैकस्लैश एन लगा देते हैं। ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं, देन प्रेस किया,
अब इसको रन करवाते हैं डायरेक्टली, तो यहां पे देख सकते हैं तीनों की साइज आ रही है। तो चूंकि हम 64 किलोबिट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं 64 किलो का, तो इसलिए ये जो है साइज जो है इंटीजर की क्या दिखा रहा है, 4 बाइट्स दिखा रहा है, ठीक है। अगर हम 32 किलोबिट्स की बात करते तो यहां पे साइज जो है 2 बाइट दिखाता। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।